हाँ भाई अभी बज रहे हैं 8:05 और मैं बस के लिए निकल रहा हूँ। और मैं घर से निकला था जैकेट पहन के क्योंकि मुझे सुबह काफ़ी ठंड लग रही थी, और मैं बाहर निकला तो देखा धूप निकली तो मैंने कहा शर्ट में चलता हूँ। हाँ, और बाद में ये करनी थी कि मेरा जो ब्लॉग था कल वाला वो मेरा दूसरा ब्लॉग था और ये मेरा तीसरा ब्लॉग है, लेकिन क्योंकि वो ब्लॉग एडिट होते हुए 1-2 दिन लग जाएंगे तो मैंने सोचा था क्योंकि मैं डेली ब्लॉगिंग कर तो सकता नहीं हूँ तो मैं हफ्ते में 2 ब्लॉग करूँगा। तो ये जो ब्लॉग है ये एडिट होके मंडे को, क्योंकि रेहान की बर्थडे का हम सीन कर रहे हैं ना, सरप्राइज़ है। तो सरप्राइज़ बर्थडे का यही है कि अभी हम जाके उसको बर्थडे का सरप्राइज़ देंगे, लेकिन तो मंडे को मैं ब्लॉग अपलोड करना चाहता हूँ। तो ये मेरा तीसरा ब्लॉग है, तो मैं अपना दूसरा ब्लॉग जो है उसे ब्लॉग से बाद में अपलोड करूँगा, तो इसी वजह से बस ये आगे पीछे हो जाएगा। तो बस ये कहना था मैंने आपको, ये ब्लॉग मैं उसके बाद भी कर सकता हूँ मंडे के बाद भी, लेकिन मेरा सीन ये है कि मैं उसको ना बर्थडे गिफ्ट देना चाहता हूँ ब्लॉग की सूरत में, क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट ही उसकी भी की थी ना कि उसकी बर्थडे आएगी तो मैं उसको इस तरह डेडिकेट कर दूँगा। इस ब्लॉग में मैं ट्राई करूँ कि मैं अपना जो पूरा डर है ना वो निकाल सकूँ, क्योंकि ब्लॉग स्पेशल है। तो मैं पब्लिक में ब्लॉग करने का ये मकसद है कि जो अपना मेरा डर है ना इसको मैं दूर कर सकूँ और इसको ब्लॉग थोड़ा स्पेशल बना के ना थोड़ा कुछ सीख भी सकूँ। तो बस इसीलिए ये सारा सीन चल रहा है। अभी सामने बस आने लगी, उधर ही जा रहा हूँ। यार अगर वैसे किसी की बर्थडे हो ना तो हम चारों जो ग्रुप के लड़के हैं ना सारे मिलके जाते हैं केक लेने, लेकिन कल ये एहसन जो था शादी पे गया हुआ था और दूसरा रेहान की बर्थडे थी तो मैं और सिर्फ हमारी इधर केक लेने गए हुए थे। तो अभी हमने रेहान को क्लास में भेज के, अभी वैसे हम क्लास में लेट हो गए हैं लेकिन अभी हमारा केक जो पड़ा हुआ है वो बस में पड़ा हुआ, तो अभी बस में केक लेने जा रहे हैं। हाँ, और एक बात बताना भूल गया, देर क्यों हो रही थी, क्योंकि हम सी ब्लॉक में शिकार करने गए थे। अभी क्लास के लिए पहले देर से हो रहे हैं, और अभी दूसरा मसला ये आ कि इस कैफ़े में जगह नहीं है केक के लिखाने के लिए, अभी दूसरे कैफ़े जा रहे हैं वहाँ पर रखवाएंगे। अभी शुक्र है इस कैफ़े में भी वैसे जगह तो नहीं थी लेकिन इसमें ओपन रखवा के आ गए हैं। तो अभी एक और मसला है, वो मसला ये है कि क्लास हमारी है 4th फ्लोर पर, और अभी हमारी हालत मरने वाली होगी यार, यूनिवर्सिटी अखबार वालों कम से कम हमारी क्लास से नीचे रखवा दो। अभी हम आधा घंटा क्लास में लेट हैं, अभी देख के चलते हैं क्लास में क्या सीन चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, तो हमारी फर्स्ट क्लास ख़त्म हो गया, लेकिन अभी सेकंड क्लास लेने से पहले हमने जाना सी ब्लॉक जाना लाजमी बनता है, और यह हमारा ठप्पा लगा हुआ है किस्म का। अभी सारी क्लासेस फ्री होने के बाद अभी हम मतलब फाइनली फ्री हैं, और अभी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे बस थोड़ी देर में, ये सारी डेकोरेशन वगैरह करके रेहान को बुला के इधर उसको सरप्राइज़ दे देंगे। अभी सारी प्रिपरेशन वगैरह हो गई हैं, हमने डेकोरेट कर लिया, अब सब फ्रेंड्स को बुलाना है, तो अभी केक लेने जा रहे हैं मैं और अमार, तो बस केक लेके आएंगे तो बस बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, फिर आपको बताएंगे। यार हमारी सारी प्रिपरेशन हो गई, अभी हमें माचिस नहीं मिली, हमें आधे घंटे से माचिस ढूंढ रहे हैं। What the hell is? ये भाई इनसे पूछ लो, भाई माचिस हो गया अभी लाइटर? लाइटर यार अब मैं 2 मिनट में ला कर, हम यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। और आखिरकार आधे घंटे की मेहनत के बाद हमें लाइटर मिला, माचिस भी नहीं लाइटर, लाइटर मिला। अभी हमारी बर्थडे होगी, अभी हम ट्रीट के लिए जा रहे हैं पिज़्ज़ा लेने, रेहान भैया हमें पिज़्ज़ा खिला रहे हैं। तो मारवी देखें आप लड़के में कॉन्फिडेंस आया हुआ है, बहुत आया हुआ है। इसकी वजह तुम हो, इसकी वजह तुम हो।
हाँ भाई, तो यार बर्थडे वगैरह सारा कुछ हो गया, अभी हम इधर सुहागढ़ ट्रीट के लिए आए हुए, लेकिन सारा कुछ होने के बाद मैंने आपको वो बंदा नहीं दिखाया जिसकी बर्थडे है। हाँ yes. देख लो, तो ये बंदा है रेहान, इसकी बर्थडे थी तो इसके लिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। अभी पिज़्ज़े का वेट कर रहे हैं और मैं अब ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर देता हूँ। बस फिर मिलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। ओके, टाटा, बाय बाय।